सेफ्टी गियर बॉक्स के अंदर ये ट्रैक्टर है। आगे अलग से कोई जाली लगाने की जरूरत नहीं है। फार्म ट्रैक 60 पावर पर उठा सकते हैं, अपने आप बोनट ऊपर चला जाए। ड्राई टाइप का आपको एयर क्लीनर मिल जाए, RPM मीटर है इसका, और नीचे आपको डिजिटल में आवर दी ओएल मर्सिडीज के अंदर आपको ब्रेक मिलेंगे 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी। दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो आपने जो लगभग और फिर इस प्रकार टर्निंग रेडियस दिखाते हैं, आप टर्निंग रेडियस देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो लेकर आया भाई फार्म ट्रैक 60 F41 सीरीज का जो ट्रैक्टर है, T20 गियर बॉक्स के अंदर ये ट्रैक्टर है। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपने हर एक चीज़ की जानकारी देवांगे इस वीडियो में, चाहे वह रेट की बात हो, चाहे वह किसी नई फीचर की बात हो, हर एक चीज़ के बारे में आपने पूरी नॉलेज देवांगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स F41 सीरीज। इसके फ्रंट लुक की बात करांगे तो फ्रंट में इसकी बात करा जो आपको बोनट के अंदर फार्म ट्रैक मिलेगा भाई, उसके बाद नीचे पावर मैक्स और ये फार्म ट्रैक 60 लिख रही है क्रोम में। दोस्तों शानदार लुक है ट्रैक्टर की, बहुत ही अट्रैक्टिव। ये जाली दी गई है, छिद्र इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि इसमें मोटे कण है जो वो ना जाए रेडिएटर के अंदर, और आपको इसके रेडिएटर के आगे अलग से कोई जाली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जाली इस प्रकार से तैयार की गई है इस ट्रैक्टर की। लाइट की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ साइड में LED लाइट दी गई है, तो साइड में स्लाइसर दिया गया है, साथ में इसमें होट के लिए ये कवर दिया गया है ताकि आपके हाथ या कुछ भी टच ना हो। बोनट की बात करते हैं, बोनट पर आपको देख रहे हो फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स EPI क्लासिक प्रो T20 गियर बॉक्स की ब्रांडिंग आपको साइड में दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो भाई F41 भी लिखा हुआ है। तो आपको दिखाते हैं भाई बोनट इसका किस प्रकार से खुलता है। इस बटन को आप इस प्रकार से प्रेस करके ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप बोनट ऊपर चला जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसका बोनट, सिंगल पीस बोनट है ये, खुल जाता है, और इसमें ड्राई टाइप का आपको एयर क्लीनर मिल जाएगा। वहीं इसके इंजन की बात करें तो आपने इसमें 3514 cc का 55 HP के अंदर नॉन टर्बो नॉन EGR इंजन मिल जाएगा। 3 सिलेंडर बोस का इनलाइन पंप आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। सेपरेटर दिया गया है, ये पंप की लाइफ को बढ़ाता है, ये डीजल और पानी को अलग करने का काम करेगा। साइड में आपको यहीं पर बैटरी मिल जाएगी। दोस्तों इसमें आपको हीट प्रोटेक्टर मिल जाएंगे, और पायदान की बात करें तो इसमें आपने सिंगल स्टेप के साथ पायदान मिल जाएगा, आप ट्रैक्टर पर आसानी से चढ़ व उतर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रैक्टर पर आसानी से चढ़ सकते हैं। इसके सीट की बात करें तो आपने वही जो पहले आ रही थी फार्म ट्रैक सेट की सीट, वही आपको सीट मिलेगी। यहाँ से आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। दोस्तों बैक रेस्ट की बात करें तो अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले इसका बैक रेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप बैक रेस्ट को ऊपर और थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं सीट को। दोस्तों आप यहाँ से सीट को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं साथ में। दोस्तों अगर हम इसके स्टेयरिंग की बात करें तो पहले से काफ़ी छोटा दे दिया, जो F32 में आता था वो थोड़ा बड़ा आता था स्टेयरिंग, लुक भी पहले से चेंज कर दिया स्टेयरिंग की। अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो आपने इसमें ये डीजल मीटर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये प्रेशर के लिए है जो नीचे वाला ऑयल होता है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये RPM मीटर है इसका, और नीचे आपको डिजिटल में आवर दिखाएगा, और इस साइड आपको टेम्परेचर के लिए मीटर दिया गया है। यहीं पर आपको बैटरी का इंडिकेशन मिल जाएगा, अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं कर रहा हुआ है अल्टरनेटर तो वो इसमें शो हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर आपको गियर बॉक्स के कुछ स्टिकर भी दिए गए हैं। स्टेयरिंग के राइट साइड में आपको हाथ वाली रेस मिल जाएगी, यहीं पर लेफ्ट राइट इंडिकेटर और चारों इंडिकेटर के बटन दिए गए हैं। पायदान की बात करें तो फ्लैट तो नहीं कह सकते क्योंकि बीच में थोड़ा बम ज़्यादा दिया गया, इसमें थोड़ा उठा हुआ भाग है बीच से इंजन का, तो फ्लैट पायदान इस ट्रैक्टर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। हॉर्न के लिए स्विच दिया है, नीचे लाइट हाई लो बीम के लिए दिया है, यहाँ आपको किट मिल जाएगी, और ये इंजन को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप लाइटें फ्रंट वाली ऑन करेंगे, और यहीं पास में आपको 12 वोल्ट का चार्जर के लिए पॉइंट दिया है। मैं गियर की बात करें तो आपने 4 गियर आगे के और एक रिवर्स गियर के साथ यहीं लीवर मिलेगा आपको। दूसरी साइड आपको बात करें तो इसमें ये कछुआ और खरगोश, और ये
यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ा दे रखा नीचे आगे बुल दोस्त, आपको 16 स्पीड आगे की मिलेगी और 4 स्पीड पीछे की। यहीं पर आपको हाथ से ऑपरेट होने वाला क्लच दिया गया है। इसके अंदर आपको पुश पैडल मिलेंगे, जैसे क्लच है ये ड्यूल क्लच है, ये पाँव से ऑपरेट होगी यदि आपको ट्रैक्टर आगे पीछे करना है, यदि पीटीओ गियर के लिए आपको अलग से ये क्लच दिया गया है दोस्तों। वहीं ऑयल इमर्सिड, इसके अंदर आपको ब्रेक मिलेंगे पुश पैडल के साथ, 60 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा, यहीं से आप डीजल डलवा सकते हैं ट्रैक्टर बैठे बैठे आसानी से, और यहीं पाँव वाली रेस भी मिल जाएगी। तो इसमें आपको ब्लैक कलर की पोजीशन लीवर है और ये रेड की ड्राफ्ट, और यहीं पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर गियर मिल जाएगा पास में ही। की बात करें तो इसमें 2500 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ इसमें लिफ्ट आर्म दिए हैं दोस्तों। दोनों साइड इसमें आपको ट्रैक्टर में जैक मिलेंगे, आप दोनों साइड से इसके लिफ्ट की सेटिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे की, पहले एक साइड के आते थे अब दोनों साइड इसमें दे दिए हैं दोस्तों। हुक कंपनी साथ में दे रही है, टोपलिंग कंपनी आपको साथ में दे रही है, थ्री होल के साथ इसमें टोपलिंग के लिए आपको पॉइंट दिए हैं दोस्तों। जैसा कि आप सुपर सीडर जोड़ते तो आपको नीचे वाले पॉइंट में कंपनी रिकमेंडेशन करेंगी, यदि आप कल्टीवेटर में जिसमें आपको सेंसिंग की ज़रूरत होती है उसके लिए आप ऊपरले होल में टोपलिंग डाल लेंगे दोस्तों। काफ़ी हैवी दिया इसका पिछला हिस्सा पहले से, और साथ में आपको ये जैक मिल जाएंगे हैवी वाले, किल्ली वाले जैक दिए भाई इसमें, तो दिया चाहे फिर यहाँ पे लगने की समस्या नहीं आती। बाकी जो ये किल्ली वाले दे दिए हैं इनमें यह समस्या नहीं आती, लेकिन जो बेल वाले आते हैं उनमें ज़्यादा यहाँ से टायर ख़राब होते हैं दोस्तों। अगर हम इसके इंडिकेटर की बात करें तो ये भी बहुत शानदार हैं, बहुत सी कंपनी वाले किसान भाई हैं जो ले लेते हैं ट्रैक्टर, वो इसी कंपनी के ट्रैक्टर के इंडिकेटर लगवाते हैं, यही 5 साल की इसमें आपने वारंटी मिल जाएगी ट्रैक्टर में, यदि कोई भी समस्या आवे तो आपकी सोल्व हो जाएगी 5 साल के अंदर। साथ में काम करने के लिए आपको यहाँ पर पीछे लाइट मिल जाएगी, और इसमें एक लोहे का टूल भी मिलेगा आपको दोस्तों। पीछे इसमें रिफ्लेक्टर दिया कंपनी ने, यहाँ पर बोतल के लिए एक हैंडल भी दिया, यहाँ पर आप बोतल रख सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसके रियर टायर की बात करें तो आपने 16, 9, 28 के टायर मिलेंगे इसमें, और चाहो जो आप 14 के भी टायर इसमें ले सको हो। तो फ्रंट टायर इसमें आपको 50-16 के मिलेंगे, 7-50-16 के आपको इसमें फ्रंट टायर मिल जाएंगे दोस्तों। इसके प्राइस की बात करें तो आपने जो लगभग 8,50,000 रुपये में मिल जाएगा, कम ज़्यादा भी हो इसका इससे कुछ। चलिए दोस्तों अब इस ट्रैक्टर की आपको आवाज़ सुनाते हैं, कैसी है आवाज़ और स्टार्टिंग कैसी है इस ट्रैक्टर की दोस्तों। सबसे पहले इस ट्रैक्टर को आप न्यूट्रल करेंगे और फिर इस प्रकार से ट्रैक्टर आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है ट्रैक्टर की, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर की बात देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा है चलाई में ट्रैक्टर कर रहा है ट्रैक्टर। अब आपको ये ट्रैक्टर टर्निंग रेडियस दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए भाई आप इसका टर्निंग रेडियस देख सकते हैं, तीसरे के गियर में उठाया ये ट्रैक्टर, काफ़ी अच्छी चला। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फार्म ट्रैक स्टार्ट का वीडियो आपने कैसा लगा, और आप इस ट्रैक्टर के बारे में कोई अच्छी नॉलेज जानते हैं या आपने यूज किया है तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें ये जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।